हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको कुछ 5 ट्रांजेक्शन की वन है जिसकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखानी है। देखिए किस तरीके का फॉर्मेट होगा। पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, एसेट लिख के थोड़ी दूर पे आप इक्वल का साइन मेंशन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल मेंशन करेंगे। एसेट्स के अंदर जिन जिन एसेट्स की बात हो रही होगी क्वेश्चन में, वो आपको लिखने हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में कैश प्लस प्रीपेड की हो रही है, और लायबिलिटी में हमारी बात हो रही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, और कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल होता ही है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है, वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। तो 50,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपको जब आप ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएं, तब तो आपको एक बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोचना है। कम से कम एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। तो 50,000 रुपीज का इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। जहां पे इस ट्रांजेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां पे आप जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद इसको दोबारा नोट डाउन कीजिए, 50,000 कैश में आएगा, प्रीपेड में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी जीरो आएगा, और कैपिटल में 50,000 आएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो हमारी है वो है, अब करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन जो कि हमें गिवन है पेड सैलरी 2,000 रुपीज। तो सैलरी पे की गई है 2,000 रुपीज, तो कैश कम हो जाएगा 2,000 से, और हमारी कैपिटल भी 2,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां पे जीरो मेंशन कीजिए। कैश में आपका माइनस करने पे 48,000 आएगा, प्रीपेड में आपका जीरो ही आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी जीरो आएगा, कैपिटल में माइनस करने पे 48,000 आएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन हमें गिवन है वेजेस आउटस्टैंडिंग, कितना है 200 रुपीज वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब अभी ये हमारा पिछले से पेंडिंग है, पिछले वाला वेजेस पे किया नहीं है कि नया वेजेस हमारे सामने और आ गया है। तो यहाँ पे अभी वेजेस आउटस्टैंडिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले वाला वेजेस हमें जो पे करना था अपनी लेबर को, अभी हमने पे नहीं किया, तो उसे बोलते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो देखिए 200 रुपीज है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में दिखाइए 200 रुपीज, और दूसरा कैपिटल में से माइनस कीजिएगा 200 रुपीज को। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां पे जीरो मेंशन कीजिए। 48,000 कैश में आएगा, प्रीपेड में जीरो ही आएगा टोटल करने पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 200 आएगा, और कैपिटल में माइनस करने पे 49,800 रुपीज आएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमें गिवन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 100। तो ये भी सेम बात ही है कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट पे नहीं किया गया, तो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस कीजिएगा, और 100 रुपीज को कैपिटल में से माइनस कीजिएगा। इसके बाद फिर टोटल करना है, कैश में 48,000 आएगा, प्रीपेड में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 300 आएगा, और कैपिटल में हमारा 49,700 आएगा। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमें क्या कह रही है, रेंट पेड इन एडवांस। 150 रुपीज का रेंट एडवांस में पे कर दिया है। अब जब एडवांस में पे किया है तो कैश कम हो जाएगा बिजनेस के पास से 150 रुपीज, और प्रीपेड में भी 150 रुपीज हमारे पास आ जाएगा। लायबिलिटी में कुछ नहीं इंपैक्ट नहीं होगा इसका, मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कुछ नहीं आएगा, और कैपिटल में भी कुछ नहीं जाएगा। अब आपको टोटल करना है, क्योंकि पांचों ट्रांजेक्शन आपने शो कर दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो कैश में टोटल आएगा, माइनस करने पर आएगा 47,850, प्रीपेड में 150 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 300 आएगा, और कैपिटल में 49,700 आएगा। जब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी हो जाए, तो आप एक बार ये जरूर चेक कीजिएगा कि एसेट का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे केस में 50,000 एसेट है, 50,000 ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। अगर ये आपका इक्वल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि कहीं पिछले क्वेश्चन में आपने कोई कहीं किसी ट्रांजेक्शन में आपने कोई गलती की हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।